जिसको फिलहाल लीड कर रहे हैं तुषार गायकर और तुषार छिलके, विकेट पे सराव नहीं करना है। देखिए सभी खेलने वाली टीमें इस बात को सुनने लाइव टेलीकास्ट जा रहा है। टू ओपनर्स ऑन द ग्राउंड, डबल ए जेबी स्पोर्ट गोरसई बी लूजिंग अ टॉस बैटिंग फर्स्ट ईयर इन द सेमी फाइनल इन रूलर पूल। संदेश एंड विजय, दीज टू आर दी ओपनर्स। विजय चंदे एंड चंदने एंड संदेश केने, दीज टू आर दी ओपनर्स। पहिलाच सेमी फायनलला सुरुवात होते, डबल ए जे बजरंग गोरसई बी वर्सेस वीर बजरंग कारिवली या दोन संघादरम्यान। या सामन्यातील विजेता संघ फायनल मध्ये प्रवेश करेल। बॅट्समॅन टू फॉलो एवन पवन अँड हरफन मोला प्लेअर भावेश पवार। कप्पू इन डग आउट, व्हेरी फेमस मॅन। काय फालतू गिरी चालले तुझा, काय ते रेडी कर नी। कप्पू केने डबल के इज गोइंग टू बी मोहित घरत। ओपन द बॉलिंग अटैक, बिग एंड फॉर बोथ टीम। यू आर वॉचिंग द सेमी फाइनल ऑफ लेट अप्पा नाना मेमोरियल कप 2020 फ्रॉम पोगांव। नाउ जीटीसी बिग बॉस ऑफ टेलीकास्ट ड्रोन कैमेरा एंड हियर वी वॉच बारसी जॉइंड विथ अस। वेलकम बारसी, द ग्रेट कैमरामैन ऑफ प्रिंस मूवीज। Here we go. First ball, switch it over the infield. Ball is traveling, square is the third man boundary and cross the fence for four. Chandane off the mark with the switch it, reverse shot. And this is the something unorthodox. Vijay Chandane off the mark with boundary and Gorsai B 4 without loss. हमारे बीच हमारे बुजुर्ग देवु केने साहब आए, आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। एवन पवन के दादा हैं, आपका विशेष स्वागत है। इज गोइंग टू बी मोहित घरत। बहुत दिस टाइम फाइन डिलीवरी, लेंथ बॉल एंड वेरी ऑकवर्डली प्ले बाय विजय। विजय चंदने ऑफ द मार्क विथ बाउंड्री एंड इज फोर विदाउट लॉस। गोरसई बी लूजिंग अ टॉस एंड बैटिंग फर्स्ट ईयर। Here we watch Mohit Gharat. This time pulls it in the vacant area. Long chase from the fielder and ball is finally racing all the way to the square leg fence for four. ऑटो रिक्शा ग्रुप ऑफ गोरसई एंजॉयिंग राइट ऑफ अस एंड स्कोर बाउंसिंग टू 8 विदाउट लॉस। एक तुम्हारी एक हमारी, फर्स्ट बाउंड्री देन डॉट देन बाउंड्री। मोहित घरत राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, शॉर्ट पुल एंड पावरफुल 6 runs.
Great stroke indeed, Shashikant. Short delivery. Goes his back foot, angling his body and pulls it nicely by Vijay Chandane. Vijay Chandane looking very aggressive in initial over. So far 14 runs and 14 made by Vijay. Great batting. This time swing dash ball over the infield, couple of bounces, cross the square leg boundary for four. Not a very good stroke, but unconventionally it tried to swung over mid wicket and ball is travelling through the backward square leg fence for four. Great batting from Vijay Chandane. He is on 18 and his score is 18. Very costly over so far from Mohit Gharat. Here he go. Try to switch it and white signal from umpire. Welcome Manish Patil, the interview samrat. The voice of Bhinder. Compliment for this cup. Thank you so much and welcome. His score remains on 19 without loss. Next match, Clash of Titans between Altaf Bali Fame Team Pioneer and Karan Patil Fame Team SP Dapode in City Pool. Mohit ball this time try to blind swing, miss him outside the off stump, no footwork there, but that marks end of the first over. I think Gorsai be right on top now, because in first over 19 on the board. Double A Gorsai B right on top now. Chala lagel saturation laun gyaache. कारण महत्त्वाचा सामना असेल दोन्ही संघांसाठी, पण वेल सुद्धा महत्त्वाची आहे कमिटीसाठी, कारण आजच्या दिवसामध्ये फायनलचा सामना खेळवायचा आहे. चला लगेच छत्रशन लावून घ्यायचं. पहिल्या षटकाची समाप्ती, संघाची धावसंख्या 10 फलकावर 19 धावा. चांगली सुरुवात केली 42-13 ग्रुप कोंडगावने. इस्व घोरसई बी को ऑल द बेस्ट. काय ऑल इज वेल चलता हुआ. ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कारेवली की बल्लेबाजी की ताकत है वो बहुत ही मजबूत है. सुजीत नाइक है, सचिन है, महेश भोला है, अक्षय है, पप्या खारिक है. निश्चितच बघितली पहिल्या षटकाच्या समाप्ती, धावसंख्या 10 फलकावर 19 धावा. जर विचार केला तर विजय चंदने आणि स्ट्राइक लावतोय संदेश गोलंदाजी मार्को गोलंदाज प्रतीक. टॉस के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा पायनियर के कैप्टन और एसपी दापोडे के कैप्टन, दोनों को टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. चला शत्रुक्षण लाऊं गया था स्ट्राइक ले तो संदेश केने. सर विचार केला सिद्धी बाबी सर विजय चंदने आणि संदेश जर चांगली जर फलंदाजी केली तर मागच्या फलंदाजीसाठी फायदेशीर ठरेल, हीच अपेक्षा होती विजय चंदने कडे संघासाठी. पुढला चेंडू गोलंदाज मार्कवर, गोलंदाज प्रतीक नाईक स्ट्राइकला संदेश. प्रतीक नाईक राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए फिर से कोई खिलाड़ी वहां से कुछ बोला है. समय में कॉपरेट करें, जिसने भी समय का रेस्पेक्ट किया वो दुनिया में काफी नाम कमा गया. राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. संदेश केने को आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, बीट संदेश केने, बीट विकेट कीपर और बाई का इशारा था अंपायर का. एक रन स्कोर में बढ़ता हुआ डबल ए जेबी गुरसई बी का स्कोर इस वक्त 20 पे पहुंचा. आज हमारे जीटीसी के टेक्निकल टीम के चीफ बहुत खूबसूरत सनग्लासेस में आए हैं. गणेश शिवाले और महेश विषय ने भावेश पवार को ऑल द बेस्ट कहा. अंबरनाथ से प्रशांत
पाटिल ने भविष्य पवार और पवन केने को ऑल द बेस्ट कहा है। देखिए समय काफी लिया जा रहा है, गेंदबाज मुड़ जाते हैं, बीच में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। बहुत पुराना जब टीवी था भारत में तो दूरदर्शन पे अक्सर आता था रुकावट के लिए खेद है, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस गेंद को हवा में खेल दिया है, फील्डर उसके नीचे और क्या खूबसूरत कैच पप्पा खारिक का, बहुत बड़े फील्डर हैं, आउट हो गए बैट्समैन विजय। शतरक्षण लावून घ्यायचं आहे कारुली संघ। विजय चंदने बात झाल्यानंतर पवन केने येते। एवन पवन को भेजा है क्योंकि यहां से गेयर बदलना चाह रही है। निश्चित ज्या ग्राउंड भरपूर दिवस त्याने प्रैक्टिस सुद्धा केले, ज्या वेळेस प्रैक्टिस ला सुरुवात झाली होती, तर महत्त्वाचा सामना आहे, सेमी फायनलचा सामना आहे सिद्धी बावी सर, याच्यातील विजेता संघ हा फायनल मध्ये प्रवेश करेल। पाहूया किती धावांचं आव्हान ठेवते डबल ए ज्या बजन गुडसे बी वीर बजन कारुली संघासमोर। स्ट्राइक ला संदेश। यस रघुनाथ भोईर पहाड़े से दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहते हुए और कमेंट्री पैनल की सराहना की है। विकेट की खुराक मिलती हुई यहाँ पे प्रतीक भोईर को, प्रतीक नाइक को, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस मरतबा फिर से टॉप एज लगा है, खींच के मारना चाहते थे, गेंद पीछे निकल गई है और देखना है क्या कुछ हुआ है। दो रन पूरे किए हैं वहां पर बैट्समैन ने, शॉट तो अच्छा नहीं था संदेश केने का। दो रन आते हुए कुल स्कोर गुरसई बी का पहुंचा 22 रन एक विकेट गंवाने के बाद। विचित्र तेजस पाटील साहेबांकडे विनंती असेल, विनोद देहू केने आपल्याला विनंती असेल, आपण कृपया मंचावर येऊन बसायचं, आपलं सुद्धा या स्पर्धेमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत, वेलकम। केवल आर्ट्स गुरसई रोहन केने ने गुरसई बी को ऑल द बेस्ट कहा है। स्ट्राइक ला संदेश। प्रतीक नाइक राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। संदेश को बहुत दूर कर बैठे हैं और दूसरे मोहल्ले की गेंद व्हाइट 1+1 दो रन स्कोर में आते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रनों पे पहुंचा है। कहीं ना कहीं पप्पा खारिक थोड़े से निराश हैं लेकिन उत्साह भी बढ़ा रहे हैं अपनी टीम का, बहुत ही फाइटर क्रिकेटर हैं। और महिंद्रा की कप्तानी जब उन्होंने BC4 सिटी क्रिकेट में की थी तो महिंद्रा टीम को शेखर पे चोटी पे रखा था सीजन में। उमेश तारे यानी उमेश गुलवी आपल्याला सुद्धा विनंती असेल, आपण सुद्धा मंचावर येऊन बसायचं आहे, आपल्या सुद्धा आमंत्रित केलं या स्पर्धेमध्ये तेजस दादा पाटील साहेबांनी। पुढला चेंडू राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। बढ़िया गेंद और बोल्ड हो गए एवन पवन, गेंद क्या बैठ गई, मानो पवन की बल्लेबाजी बैठ गई, व्हाट अ बॉल। जिस तरह 1983 में सुनील गावस्कर डेनिस लिली की गेंद पर आउट हुए थे, उन्हें LBW दिया गया था और वहां से भारत की टीम बिखर गई थी और कमेंटेटर सुशील दोषी ने कहा था गेंद क्या बैठ गई, भारतीय टीम बैठ गई। बहरहाल आज भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को मजा चखा चुकी है। यहाँ किसके तेवर तीखे रहते लेकिन अनुष्का के देवरों ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी। अब दोनों भाई मैदान में आए हैं, मेघनाथ केने साथ निभाने संदेश केने का। पवन केने शून्य पे आउट हुए, बहुत बड़ा झटका, क्या गेंद थी वहां पर प्रतीक नाइक की, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बैठी भी थी और थोड़ी अंदर की जानी भाई थी। देवली से महीन भाई ने भविष्य पवार को ऑल द बेस्ट कहा है। प्रतीक नाइक चले, ओ फिर से इन कटर, क्या बोलिंग कर रहे हैं प्रतीक। कमाल की बोलिंग कर रहे हैं,
right arm over the stumps. जाते हुए गेंदबाज प्रतीक नाइक इस मरतबा स्लॉग स्वीप की कोशिश एलिवेशन नहीं था लेकिन रन चुराते हुए बैट्समैन. आज कारोली के जो फील्डर्स हैं वो काफी गिर पड़ रहे हैं, अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं और गिरना है तो फिर सर्फ एक सलाना. जित बाबी सर जर विचार केला तर महत्त्वाचा सामना असेल दोन्ही संघांसाठी. जर विचार केला तर सेमी फायनलचा सामना आहे. या जिथे विजेता संघ फायनल मध्ये प्रवेश करेल त्यासाठी निश्चितच संघर्ष पाहायला मिळतो दोन संघादरम्यान. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर 19 धावा, दुसरा षटक सुरेख कारवीच्या बाजूने गेला, 4 धावा फक्त खर्च केल्यात आणि दोन फलंदाज महत्त्वाचे. जर विचार केला तर विजय चंदने आणि पवनगेने बाद झाल्यानंतर कुठेतरी धावा थांबवल्यात. धाव फलकावर धाव संख्या जर बघितली तर फक्त 25 धावा. बिल्कुल, जब मैच बड़ा रहता है तो आपको क्वालिटी बॉलिंग भी सामने आ जाती है. मैनू मैकेनिक ने भविष्य पवार को ऑल द बेस्ट कहा. आने वाले मैच के लिए जो ऑल द बेस्ट आ रहे हैं, जब मैच शुरू हो जब दे, कोशिश होंगी आपके मैसेज पढ़ने की, लेकिन अभी से ना दे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ना बने. सिद्धि बाबे सर महेश बोला है तो गुल मार्ग स्ट्राइक ले तो मतलब मेघनाथ अवे मेघनाथ आपल्या संघासाठी किती धावांचं योगदान देतोय. महत्त्वाचा सामना आहे दोन्ही संघांसाठी. महेश बोला ने पिछले मैच में 2 ओवर में बहुत घातक गेंदबाजी की थी, हालांकि आखिर के 2 गेंदों पर उनको 2 सिक्सर भी पड़े थे, योगेश केने ने लगाए थे राइट आर्म राउंड विकेट. खेलना चाहते थे सामने की ओर, मोटा सिरा लेकर गेंद फ्लाई स्लिप से होती हुई शॉर्ट थर्ड मैन पे, अच्छी लंबाई की गेंद आगे रख दिया था बैट्समैन के. स्कोर 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पे, 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. पॉइनियर के कैप्टन और एसपी दापोडे के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. ऑफिशियल कॉल, कुठला संघ फाइनल मध्ये प्रवेश करेल पाहूया. डबल ए जे बजरंगपुर से बी का वीर बजरंग कारुली, दोन्ही संघांच्या पाठीरागे भरपूर संख्येने उपस्थित आहे या मैदानावर आणि यूट्यूबच्या माध्यम सुद्धा पाहतात. स्ट्राइकला संदेश मोठी फटक्यांची अपेक्षा असेल गुरसी संघाला. संदेश करना बोला राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए. इस मरतबा छोटी बैकलीफ का इस्तेमाल, ड्राइव किया वी की शक्ल में, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं. महेश भोला जो है उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट में अक्सर कहा गया है एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बस ऑल्सो बेस्ट फीचर. एक्सपीरियंस सिर्फ आपका उस्ताद नहीं बल्कि आपका दिखावा भी है. पुडला चंडू सामर्थ्य तो मेघनाथ उर्फ बंटी पाविया. महेश बोला राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए. ओहो ये उड़ाया छेदन. जूजी ऑफ वॉली थी, बिल्कुल बैट्समैन के सामने रख दिया था. ये तो ऐसे है जैसे आप शेर को मांस दे रहे हो, होना ये चाहिए शेर को घास दो घोड़े को मांस दो दोनों मर जाएंगे. अनि नरेश केने यांच्याकडून शुभेच्छा था जय बजरंग गोरसे बी संघाला. धन्यवाद नरेश केने. 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, बहुत ही करारा स्ट्रोक मेघनाथ केने का. रोशन घरत ने खालिंग से भविष्य पवार को ऑल द बेस्ट कहा है. चांगली सुरुवात केली मात्र आता मेघनाथ ने फलंदाजीसाठी. राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, फुल टॉस गेंद स्वीप करना चाहते थे ऊपरी सीधा और आउट हो गए मेघनाथ. बोला नारायण पाटिल सावत ने गुरसई बी को ऑल द बेस्ट कहा है. कल्पेश भारत केने शिवसेनिक है त्यांच्याकडून सुद्धा जय बजरंग गुरसई संघाला शुभेच्छा. नए बैट्समैन हरफन मोहला खिलाड़ी, प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट और ड्रॉप सीन के हीरो
भावेश पवार आए हैं बल्लेबाजी को। भावेश पवार जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं, ये जो भावेश पवार है ना, ड्रॉप सीन में आते हैं अक्सर हीरो बन जाते हैं और कभी कभी जीरो, लेकिन रन अभी भी उतने नहीं हुए हैं जितनी अपेक्षा की होंगी कप्तान ने। तीसरा ओवर चल रहा है, 33 रन है, 3 विकेटें गिरी है, क्या बात है। 2.4 ओवर, डबल 3 रन एंड 3 विकेट्स। महेश बोला काफी तजुर्बेकार हैं और तजुर्बे को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है उन्होंने। भावेश पवार आणि संदेश केनियाडी शुभेच्छा रणजित केनियाडीकडून। लकी पाटील सचिन पाटील ने गुवे से भावेश पवार और गोरसई भी को ऑल द बेस्ट कहा। राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए इस मरतबा झुक कर खेला हुआ स्ट्रोक, काउ कॉर्नर में 1 रन। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, पॉइंट अंदर खड़ा था लेकिन आड़े बल्ले से खेल बैठे वहां पर बैट्समैन संदेश केने। भावेश पवार अब स्ट्राइक पर हैं, दोनों बाएं हाथ के बैट्समैन है पिच पर। 34 हो चुका है इसको डबल ए गोरसई बी का। तीसरा षटका जर विचार केला शेवटचा चेंडू असेल आणि भावेश पवार आणि संदेश केनेला शुभेच्छा कल्पेश केने शिवसैनिक यांच्याकडून सुद्धा शुभेच्छा धन्यवाद कल्पेश केने। तीसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू स्ट्राइकला भावेश पवार। राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए महेश बोला, जहन में सवाल चलते हुए क्योंकि सामने खड़े हैं भावेश पवार। ये विकेट किसी भी टीम के लिए किसी मोती से कम नहीं रहती है। राइट आर्म राउंड विकेट जा रहे भावेश पवार को छोटी बैकलीक का इस्तेमाल, फ्रंट फुट पे आकर केवल दिशा दी टक करते हुए ऑन साइड में। ओवर समाप्त होते हुए 3 बी ने बना लिए 35 रन और ओवर बचे 2। कहां तक लक्ष्य रहेगा करेवली के सामने ये आपको बताएंगे शशिकांत के ने। थैंक यू सिद्धि भावेश सर। जर बघितलं तर शेवटचा चेंडू फुलटत होता, मात्र भावेश यांनी फक्त सिंगल लाव काढून स्ट्राइक आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रयत्न केला। निश्चितच 3 षटकाची समाप्ती, संघाची धावसंख्या 10 फलकावर 35 धावा। जर विचार केला तर पहिल्या षटकामध्ये 19, दुसऱ्या षटकामध्ये 4, तिसऱ्या षटकामध्ये 10। जर विचार केला धावसंख्या 10 फलकावर 35 धावा जमा केल्या आतापर्यंत। बिल्कुल, तालुका क्रिकेट के बहुत ही मशहूर ऑलराउंडर संदीप नाईक ने वीर बजरंग कारेवली को ऑल द बेस्ट कहा है और सचिन गरत को बहुत स्वागत है। संदीप नाईक कौन भूल सकता है श्रीकार कप 2002। संदीप नाईक के जो सिक्सर थे वो एक्स्ट्रा कवर पे बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, वन ऑफ दी जीनियस इन कटर बॉलर इन तालुका क्रिकेट। अमर बीच गो ईस्ट और वेस्ट, अल्ताफ बाली इज द बेस्ट। बाली सर का आगमन हो गया है, जिनका अल्ताफ बाली प्रेजेंट एंड BC4 एंड पॉइनियर ऑर्गेनाइज भिवंडी प्रीमियर लीग सुपर से ऊपर लीग को देखना ना भूलिए 4 तारीख से घोड़सई के ग्राउंड पे। निश्चितच स्ट्राइकला भावेश पवार, गोलंदाज प्रतीक पुन्हा गोलंदाज मार्गवर। मात्र चेंडू जाईल, नशिबाची साथ लागले भावेश पवारला, 4 धावायची सिद्धी भावेश सर या चेंडूवर। व्हेरी गुड स्ट्रोक, इट ट्राय टू माइटी स्वंग ऑन द ऑन साइड एज ऑफ द बैट बिटवीन स्लिप एंड विकेट कीपर, पुलिस रेसिंग ऑल द वे टू द बाउंड्री। रिजल्ट इज इन फेवर ऑफ गोरसई बी बट शॉट इज नॉट कनेक्ट प्रॉपरली मिडल ऑफ द बैट। अल्ताफ बाली सर आपसे निवेदन है कि आपको मंच पे आना है। आणि या 4 धावाने संघाची धावसंख्या 10 फलकावर 39 धावा। स्ट्राइकला भावेश पवार। उजव्या एसटीचा चेंडू पंच आमच्याकडे वळतात, 1 धाव अतिरिक्त मिळेले या संघाला। धावसंख्या 10 फलकावर 40 धावा। जर विचार केला तर प्रत्येक चेंडू ऑफच्या दिशेने टाकण्याचा प्रयत्न करतोय गोलंदाज। चांगला चांगल्या पद्धतीने गोलंदाज पाहायला मिळते, पाहूया पहिल्या चेंडूवर चांगला सफलता मिळाली असती, मात्र एष्टरक्षक सुद्धा बीट झाला, क्षेत्रक्षक बीट झाला, चेंडू गेला तर सीमा पार। काय क्षेत्रक्षण लावलाय भावेश पवार, एक मोठा खेळाडू स्ट्राइकवर।
नसूर एक चेंडू निर्धाव चेंडू ची समाप्ति खासदार चषका मध्ये ज्यावेळी भावेश पवार आउट झाला होता चांगला सेलिब्रेशन बघितला होता आपण महेश बोलाकडनं यही वो टीम थी जिसने खासदार चषक में सपना बिखेरा था क्या बोलिंग हो रही है पप्पा खड़िक महेश भोला और सुजीत नाइक का जो एक्सपीरियंस है वो पूरी तरह से झोंकते हुए भावेश पवार को कठिनाइयों में रखा है सीधे भावेश सर भावेश पवार जर शेवटच्या षटकापर्यंत जर राहिला तर कारुली संघाला मागरे ठरेल असा घातक फलंदाज आपण पाहतो खेळपट्टीवर नो डाउट एट ऑल लेकिन देखना है कि वो रहते हैं या नहीं क्योंकि क्रिकेट में जर अनितर अगर मगर को कोई जगह नहीं निश्चित जैन गोरेकर हरीश सैयद हमसे जुड़ चुके हैं आपका इस्तकबाल है धाव संख्या बघितली धापल कवर 40 धावा 34 षटक मार्ग आणि भावेश पवारचा हल्ला चेंडू जाईल सर्वात लांब षटकार डबल कवर 46 धावा अतिशय असा रंगदार सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय पवन केने शून्यवर जरी बाद झाला असला तरी चांगली सुरुवात केली भावेशने डबल ए चा ब्रँड भावेश पवार पुन्हा बाहेर टाकलाय चेंडू पंच वळतील वाईटचा इशारा दोन्ही साइडनं महत्वाचा सामना दोन्ही संघासाठी धाव संख्या धापल कवर 47 धावा पुढला चेंडू 22 साठी विनंती असेल विकेट कीपर चेंडू टाकताना आपण आवाज देऊ नका सुजित नाईक शेवटचा आपल्याला कॉल पंच आपल्याला ऑन करतात पुढला चेंडू 22 साठी चांगला चेंडू निर्धाव जातोय अतिशय रंगदार सामना दोन्ही संघामध्ये पाहायला मिळतोय काटी की टक्कर पहिला सेमीफायनल दोन संघात दरम्यान डबल ए जय बजरंग गोरसे बीचा ब्रँड भावेश पवार खेळपट्टीवर सज्ज चांगली गोलंदाजी करतोय प्रतीक नाईक भावेश पवार स्ट्राइकला फेकून दिला चेंडूला शतरक्षक येतोय जेल सुटले जिवंत मिळलंय भावेश पवारला मागरे ठरू शकते आता मात्र कारुली संघ अडचणीमध्ये येणार भावेश पवारचा जेल सोडलाय मोठा जीवनदान मोठा मासा गुतला असता गळाला पण मात्र खेळपट्टीवर सज्ज आहे भावेश पवार चांगला चेंडू होता चांगला फटका सुद्धा होता चेंडू गेला नाही सीमा पार नाणेफेकीसाठी सज्ज राहायचंय एस पी दापोडे आणि पॉइनर भिवंडी रंगतदार सामना धाव संख्या धापल कवर 49 धावा 34 षटक प्रतीक नाईक भावेश पवार स्ट्राइकला काय सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय चांगला असा चेंडू हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न एक धाव मिळेल 50 धावा धावपल कवर पंचांचा इशारा येतोय षटकाची समाप्ती शेवटचं षटक घेऊन कोण येते पाहायचंय लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय चला भरपूर उशीर झालाय दोन सामने अजूनही संपलेले नाही जवळजवळ 11:41 मिनिटं झाल्यात शेवटची 5 मिनिटं कारुली संघ काय सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळतंय दोन्ही संघांच्या पाठीमागे जय बजरंग बली चला शत्ररक्षण लावून घ्या कारुली संघ 6 चेंडू मध्ये किती धावा जमा करता बघा या महत्वाच्या धावा असतील गोरसे संघासाठी कारुली संघ विचार करत असेल कुठेतरी 10 थांबावं लागेल भावेशला भावेश विचार करत असेल कुठेतरी 14 ते 15 धावा जमा करावे लागतील कारण समोरील संघ सुद्धा चांगला आहे
भरपूर मेहनत करतात सर्व खेळाडू, दोन्ही संघ संघर्ष करतात फायनल मध्ये जाण्यासाठी. कुठला संघ आयकॉन प्लेयर या ग्राउंडवर उतरवेल? चला सामना सुरू करायचा आहे. भावेश पवार स्ट्राइकला, महत्त्वाचा सामना सेमी फायनल. 3000 लोक युट्यूबच्या माध्यमातून सेमी फायनल पाहतात. भरपूर प्रेक्षक या मैदानावर सज्ज आहेत. धावसंख्या 10 पलकार 50 धावा झाल्यात. डबल ए जे बजनगोरसे बी संघाचे भरपूर पाठी राखे दोन्ही संघाचे पाहायला मिळतात. स्ट्राइकला भावेश पवार, महत्त्वाचा सामना दोन्ही संघांसाठी. पुढला चेंडू भावेश साठी. फुलटा चेंडू शत्रक्षकाच्या वरून चेंडू खेळाडू कक्षामध्ये. 6 धावा येतील षटकार. थँक्यू डीजे. भावेश पवारच्या बॅटमधून आज दुसरा षटकार. चला शत्रक्षण लावून घ्या कारुली संघ. अजून आपल्याला सिटीचे सामने खेळवायचे आहेत. पप्प्या खारिक चांगलं सहकार्य करतात. ज्यावेळेस आम्ही ऑन करतो त्यावेळेस निश्चित आम्हाला सहकार्य आहे पप्प्या खारिकचं. चांगला खेळाडू आहे. तीन षटकारांसाठी भावेश पवार सुवर्ण संधी. भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक राम पाटील साहेब यांच्याकडनं 2100 रुपयाचा पारितोषिक. अजून दोन षटकार मारावे लागतील भावेशला. भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक राम पाटील साहेबांकडनं सुवर्ण अशी संधी आहे भावेशसाठी. संतोष उमराटकर साहेब आपलं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत. पोका गावातील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना विनंती असेल आपण सुद्धा येऊन मंचावर स्थानापन्न व्हायचा. पुढला चेंडू. चला सामना सुरू करायचा आहे. शत्रक्षण लावून घ्यायचा कारवली संघ. शेवटचा कॉल. दोन्ही संघाला विनंती असेल वेळे संदर्भात सहकार्य करायचं आहे. शेवटचा कॉल असेल कारवली संघाला. स्ट्राइकला भावेश पवार खतरके खिलाडी स्ट्राइक पे भावेश पवार. चांगलासा चेंडू हवेमध्ये. शत्रक्षक येतोय. जय सुटे जीवनदान नाही मिळणार भावेशला या चेंडूवर. सुजेत नाईक याचं सेलिब्रेशन आपण पाहू शकता. शत्रक्षण लावून घ्या. भावेश पवार बाद झालाय. अजूनही शेवटच्या षटकातील चार चेंडू शेष. किती धावा जमा करताय पाहूया गोरसे संघ. जर 60 प्लस जर धावा जर झाला तर कुठेतरी कारवली संघाला संघर्ष करावा लागेल. पाहूया चार चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी आहे. स्ट्राइकला संदेश ओपनिंग साठी आला होता. अजूनही विचार केला चार या धावसंख्येने खेळतोय. 5 चेंडूंचा सामना केलाय. संदेशकडनं सुद्धा भरपूर अपेक्षा असतील गोरसे संघाला. गोलंदाजी चांगली होते. पुढला चेंडू संदेश साठी. पॉनियर के कॅप्टन और एसपी दापोटे के कॅप्टन टॉस बॉक्स से जुड़ जाए. सामोरे जातो तो संदेश. चांगला सा चेंडू. बॅटची एज लागून मागे जाईल. एकदा मिळेल एकेरी धावाने. धाव संख्या पुढे जाईल ती मात्र 57. जर विचार केला तर संदेशाच्या बॅट मध्ये निरसा चेंडू येत नाही. चायनीज कट लगाता वहां पर और आपको तो पता है चाइना का सामान चला तो शाम तक नहीं तो शाम तक. सुरेख सामना पाहायला मिळतोय. आपण पाहू शकता ड्रोन कॅमेरा. यस जीटीसी का ड्रोन कॅमेरा ऍक्टिवेट हो चुका आहे बिग बॉस ऑफ टेलिकास्ट. स्ट्राइकला येतोय चांगला फलंदाज इथं राहुल जेबी. तीन चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी आहे. पुढला चेंडू सामोरे जातो तो राहुल केने. पुढला चेंडू राहुल साठी.
पंचांकडे दाद मागते काय इशारा ते पाहूया निर्धाव चेंडू जाईल देखिए लैलेश कैप्टन है और उन्होंने काफी इम्प्रेस किया है अपन पाहू शकता ड्रोन कैमेरा मधून हा आमचा पूर्ण ग्राउंड चांगल्या प्रकारे कैप्चर केला आहे अपन पाहू शकता खेल पट्टी वरील बघा आपला ड्रोन कैमेरा घार घेऊन जाईल हा पुढला चेंडू सामोरे जातोय सूर्य कसा डोले चेंडू चेंडूला फेकून दिलाय सहा धावा येतील थँक्यू डीजे ड्रोन कॅमेरा मधून हा रिप्ले काय फटका केलाय राहुल केनेने या सहा धावाने संघाची धाव संख्या दहा फलकावर 63 धावा शेवटचा चेंडू महत्वाचा असेल दोन्ही संघांसाठी कारण मगाच्या सामन्यामध्ये 62 धावा पूर्ण केल्या त्या कारवली संघाने 61 धावा पूर्ण केल्या होत्या या चेंडूवर एखादा मोठा फटका आला तर चांगली धाव संख्या निर्धाव आला तर कुठेतरी थांबवलंय गुरसई संघाला पाहूया शेवटचा चेंडू राहुल भरपूर अपेक्षा असतील भावेश पवारला राहुल केनेकडनं पुढला चेंडू राहुल साठी एक चेंडू पंचांकडे दाद मागतोय निर्धाव चेंडू षटकाची समाप्ती धाव संख्या दहा फलकावर 63 धावा आव्हान ठेवले मात्र 64 धावांचं मात्र गोलंदाजांना ठसून गोलंदाजी करावी लागेल भावेश पवार पवन केने राहुल केने कपिल केने मात्र फलंदाजी सुद्धा तशी चांगली करावी लागेल कारवली संघाला आव्हान ठेवले 30 चेंडू 64 धावा आपण पाहू शकता डबल ए जय बजन गोरसे बी संघ खेलपट्टीवर जाताना वेलसंदोरी सहकार्य ओटू सिद्धी बावे सर धन्यवाद दोस्तों आइए हाई वोल्टेज मुकाबले का टॉस होने जा रहा है डीकॉक ऑफ भिवंडी माजिद बोबड़े पायनियर के कैप्टन और बहुत ही मशहूर ऑलराउंडर करण पाटिल फैम टीम एसपी दापोटे के कैप्टन आतिश बामड़े मेरे साथ है या सामन्याचं नाणेफेकी करतील विनोद केने गुरसई आपल्याला विनंती असेल आपण नाणेफेकी करायची आहे पहिलाच क्वार्टर फायनल दोन संघांदरम्यान विनोद केनेजी आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है दो बड़ी टीमें हमने सामने क्वार्टर फाइनल मुकाबला जहां पे मौली स्पोर्ट्स को बहुत डैशिंग अंदाज में शिकस्त दी थी एसपी दापोडे ने वहीं धनेश कुकसे को हाइएस्ट चेसिंग इस सीजन का पॉइनियर ने बनाया था विनोद केनी जी सुस्वागतम आइए उनके हाथों से हम टॉस करें टेल कहना आतिश बामड़े का और आया क्या है आया हेड है पॉइनियर ने टॉस जीता है बहुत धन्यवाद सर आपका माजी सिटी क्रिकेट का इंतजार पोगांव के चषक से तेजस पाटिल नीलेश पाटिल के चषक से खत्म हुआ ये बताइए कि सिटी क्रिकेट के शो को पहले दिन से किस तरह एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छा शो है और ऑर्गेनाइज भी बहुत अच्छा किया इन्होंने तो खेलने भी अच्छा लग रहा है आप ये बताइए कि टॉस जीता है क्या करेंगे फील्डिंग ये बताइए जिस तरह सामने की एसपी दापोटे टीम है जिसके पास गेंदबाजी की एक अच्छी खेप है आपके पास बल्लेबाजी की बहुत ज्यादा मजबूत साइड है प्लस गेंदबाजी और उनके पास भी बल खास तौर से आतिश बामड़े बहुत फॉर्म में चढ़े एक गेम प्लान माइंडसेट में लाया होगा कि 6 ओवर तक कहां तक रुकना है एसपी दापोड़े भी अच्छी टीम है और हम लोग ये बड़ा मैच है तो हम लोग अच्छी बॉलिंग करें और कम से कम रन में रुकने की कोशिश करेंगे देखिए यूनिट तो गेंदबाजी का रहता है लेकिन गेंदबाजी के ट्रम्प कार्ड कौन रहेंगे सभी गेंदबाज मेरे अच्छे तो उम्मीद करें कि पॉइनियर सेमी की तरफ देख रही इंशाल्लाह जरूर ऑल द बेस्ट आतिश बामड़े व्हाट अ मैच यू प्लेड अगेंस्ट मौली स्पोर्ट ये बताइए आपकी जो गेंदबाजी की धार है वो गजब की है लेकिन आप टॉस जीतते तो क्या करते फील्डिंग करता था लेकिन आपको बल्लेबाजी दी गई आतिश ये बताइए कि गेम प्लान टू को आप किस तरह यूटिलाइज करेंगे और पायनियर एक झिंझारू टीम है किलर स्टिक उनके सामने का एक कौन सा ऐसा लक्ष्य देंगे जहाँ पे दर्शन
और चिराग माली पायनियर के बल्लेबाजों को रोके। सभी बैट्समैन से मैं ज्यादा उम्मीद रखता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा रन बनाए और 70 के आसपास जाना चाहेंगे हम लोग। पहले टूर्नामेंट में आपका फॉर्म बहुत ऊपर चला है, कि कैप्टन अपनी तरफ से 100% देने जा रहे। जी सर, ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज पायनियर वन द टॉस एंड दे इलेक्टेड बॉल फर्स्ट इज बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। दोस्तों लौट चलते हैं इस मुकाबले की तरफ, जहां पर लक्ष्य है वो 64 रनों का है। देखिए इस तरह के जो टोटर रहते हैं, मनोज ठाकरे जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इस तरह के जो टोटर रहते हैं वो बहुत ही घातक रहते हैं। आप 70+80 का पीछा कर रहे हैं, आपका गेम प्लान अलग रहता है। आप अंडर 50 का कर रहे हैं, आपका गेम प्लान अलग रहता है। इस तरह के टोटल थोड़े घातक रहते हैं। वही टोटल जो वर्ल्ड कप में भारत के सामने था, और सचिन तेंदुलकर ने यही कहा था, भारत के सामने 280 के ऊपर रहते भारत चेस कर लेती, 200 के अंदर रहते चेस कर लेती, लेकिन वो 246 का लक्ष्य था वो छुपा रुस्तम लक्ष्य था। गेंदबाजी की शुरुआत, और माइक्रोफोन पे आ रहे हैं मनोज ठाकरे। धन्यवाद सिद्दीक सर, अपन पाहत आहात स्वर्गीय आप्पा व स्वर्गीय नाना स्मृती चषक 2020 चालू असलेला सामना वीर बजरंग कारवली वर्ष जय बजरंग गोरसई बी या दरम्यान ही लढत पाहतोय आपण। तर 64 धावांचं लक्ष्य आहे। पहिला षटक भावेश पवार या वेळेस पहिल्या चेंडूवरती प्रहार पाहायला मिळतोय, एका धावेने स्वतःचा आणि संघाचा अकाउंट ओपन केले जात आहे अक्षय यांच्या माध्यमातून। देखिए मरता क्या ना करता भावेश पवार स्वयं आए ओपन करने के लिए। गेंदबाजी की पहली गेंद और जिसपे एक रन आया अक्षय के बल्ले से। सर आज आपण पाहतोय प्रेक्षकांची आतोनात गर्दी, याला कारण एकच की आज फायनल डे आहे आणि चांगले चांगले सामने यांचा खेळ पाहायला मिळेल। या वेळेस बिग हिट करण्याचा प्रयत्न होता, चेंडूने मात्र अनपेक्षित उचली घेतली। ब्युटी ब्युटी फ्रॉम भावेश पवार। सुजीत नाईक इन ट्रबल, ट्राय टू स्लॉगिंग दिस बॉल। पुन्हा एकदा भावेश पवार ओलेल गोलंदाजी मार्क वरती, ज्या गोलंदाजाने खरोखरच पूर्ण महाराष्ट्राला हलून ठेवलेला आहे। या वेळेस पाहू शकता अप्रतिम डिलिव्हरी, इथेही निर्धाव चेंडू येईल न याच दरम्यान आगमन होते। सन्माननीय गोरसई गावचे माजी सरपंच अनंताजी केने साहेब यांचं या क्रीडानगर मध्ये सहर्ष स्वागत आहे। खास करून पोगाव गाव त्यांना आमंत्रित करत आहेत, कारण या गावचे जावे आहेत। पुन्हा एकदा टर्न होतय गोलंदाज, या वेळेस चेंडूला दिशा दिलेली पाहतोय, अपील जरूर केला होता। देखिए अंपायर बता रहे हैं भावेश पवार को के गेंद डालने के बीच आप बीच में आ गए। नहीं, यस, देखना है क्या कुछ हुआ था रिप्ले में, हम देखना चाहेंगे। ओहो हो, काफी अच्छी गेंद थी। सर अलीकडच्या काळामध्ये असं पाहिलं जातं जत्रा कवाडची, परंतु गर्दी गोरसाईची आज या मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय। टूर्नामेंट पोगावची, परंतु गर्दी मात्र गोरसईची, खास करून कॉमेंटर 3 गुण लेखक गोरसई आणि आजूबाजूला पाहतोय आपण गोरसई आणि गोरसई। या वेळेस ऑन साइडला चेंडू येतोय, एक धाव मिळेल एकापेक्षा अधिक काही नाही। मनोज ठाकरे गोरसई के कॉमेंटेटर्स, गोरसई का स्कोरर, गोरसई की टीमें, गोरसई के दर्शक, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि अल्ताफ बाली का जो शो है भिवंडी प्रीमियर लीग वो भी तो गोरसई में होने जा रहा है। याच्यासाठी काल म्हटलं होतं की गोरसे असा एक विषय आहे, अभ्यास करूनही समजत नाहीये। या वेळेस पाहू शकता आपण चेंडूला खाली ठेवला, गती कमी केली
आणि जे षटक चांगल्या पद्धतीने हाताला होतं ते हातालेला पाहतोय, खास करून पॉवर प्लेचा ओव्हर आहे सर. दिस इज द ग्रेट ओव्हर टर्न फ्रॉम प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट भावेश पवार. कन्सिडर ओनली 3 रन्स, व्हॉट अ बॉलिंग, बँग ऑन टार्गेट एंड दी लाइन ऑफ अटॅक इज एक्सलंट. निश्चितच आता समुद्रापलीकडे जाऊन कामगिरी करणारा जो कोई खिलाड़ू असेल त्याची कामगिरी निश्चित याच पद्धतीने आपल्याला पाहायला मिळते. आणि अशा खेळाडूची जी शक्ती आहे ती जागृत करणारा कोणतरी हवा असता. जसं आपण पाहतोय जमवंताने हनुमंताला जागृत करून दिली शक्ती आणि साता समुद्र लांघून गेला आणि सीतेचा शोध लावला. इथं मात्र आपण पाहू शकता चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये. भावेश पवार क्रिकेटमध्ये परिपूर्ण असा असणारा हा खेळाडू आपण पाहतोय की ज्याचा वार कधी ना जातो खाली. बिलकुल. आज मनोज ठाकरे भी काफी झूम में लग रहे हैं. सर आप तुमच्या सारखा जर कॉमेंटर आमच्या समोर बसेल तर निश्चितच हे आमच्यासाठी भाग्याची गोष्ट आहे, ज्याने खरोखर भिवंडीसाठी 27 वर्ष व्यतीत केलेले आहेत. आणि अशा महान समालोचकासमोर आम्हाला जर बसण्याची संधी मिळते तर आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. ह्या वेळेस चेंडू हवेमध्ये आहे, शतरक्षक खाली आहे, काय घडेल पाण्यासारखं राहील, परंतु इथं मात्र चुकी पाहायला मिळतंय आणि जीवनदान मिळतंय. हालांकि थोड़ा मीच जज कर बैठे थे वहां पर, बाद में पकड़ने की कोशिश की लेकिन गेंद हाथों से छिटक गई. कपिल केने को बुलाया गया है जो साइड आर्म गेंदबाजी में अपना कोई सानी नहीं रखते हैं, वन ऑफ द ग्रेट फास्ट बॉलर. दबाव बनवणं गरजेचं आहे ज्या पद्धतीने पहिल्या ओव्हर मध्ये आपण पाहायला मिळालं होतं. इथं मात्र पाहू शकता चेंडू हवेमध्ये आहे, यावेळेस काय घडेल आणि दोन शतरक्षकामध्ये ताळमेल पाहायला मिळत नाहीये. चेंडू मात्र दोघांमध्ये पडतोय, जीवनदान मिळतोय पुन्हा एकदा फलंदाज अक्षयास. अक्षय ऐसा लग रहा है कि माथे पे भाग्य लगा के आए हैं, लक. ये देखिए पहले आप में लखनऊ में नवाबों की गाड़ी छूटी थी और पहले आप में एक कैच छूटा. निश्चित मैदानाच्या आतमध्ये तुम्ही ज्यावेळेस खेळ करता त्यावेळेस कनेक्टिव्हिटी होणं गरजेचं आहे. 11 च्या 11 खेळाडूंमध्ये संभाषण होणं गरजेचं आहे, कॉलिंग होणं गरजेचं आहे. इथं मात्र आपण पाहिलं सर एकामेकामध्ये ताळमेल पाहायला मिळाला नाही, कॉलिंग पाहायला मिळाली नाही आणि चेंडू मात्र धरतीला दान झाला, जीवनदान मिळालं पुन्हा एकदा अक्षयास. बिलकुल. विकास पाटील मेन फ्रॉम पोगाव ने पवन केने को ऑल द बेस्ट कहा है. कपिल पुन्हा एकदा टर्न होत आहे गोलंदाजी मार्क वरती. यावेळेस बिगेट करण्याचा प्रयत्न होता, चेंडूच्या लाईन मध्ये येता आलं नाही, फुटवर पायांची हालचाली पाहायला मिळाली नाही. चेंडू पडल्यानंतर थोडी उसली देतोय, परिणाम स्वरूपा निर्धाव चेंडू. पिछले मॅच में सुजित नाईक ने 34 रन बनाकर मॅच जिताया था गोरसई ए के सामने, लेकिन बी के सामने अब तक 5 डॉट गेंदे खेल चुके. यस यस, क्रिकेट अनिश्चितेचा का खेळ आहे याचा पूर्णपणे दर्शन मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. एका मॅच मध्ये तुम्ही चांगला खेळ करू शकता, इथं पाहू शकता आपण चांगला खेळ मात्र कपिल यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं बॅक टू बॅक. इट हॅज बीन अ वंडरफुल अँड टायडी बॉलिंग फ्रॉम कपिल केने. व्हॉट अ बॉलिंग इज. देखिए मुंगरी मामा एक्टिवेट हो गए, मुंगरी मामा ने भावेश पवार को ऑल द बेस्ट कहा है. या वेळेस चेंडू हवेमध्ये आहे, इथं मात्र चुकी पाहायला मिळत नाहीये. पहिला गडी बाद होतोय, या वेळेस धावसंख्या जर पाहिली तर 6 या आकड्यावरती. निश्चितच सिद्दीक भावे सर आपण उल्लेख केला सुजित यांचा की मागच्या मॅच मध्ये चांगली फलंदाजी केली आणि संघाला विजय मिळवून दिला, इथं मात्र भोपलाही फोडू शकला नाही आणि 7 चेंडूंचा सामना केला. हे क्रिकेट आहे, प्रत्येक खेळाडूला आपापलं परिवर्तन कसं होतं हे दाखवून देणारा खेळ आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये. दुसरं षटक चालू आहे ना, धावसंख्या जर बघितली तर 6 धावा फक्त, 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 64 धावांचं लक्ष आहे आणि त्याचा पाठलाग करत असताना कुठल्याही फ्रेम मध्ये वाटत नाही या वीर बजरंग कारवली. जितू भोईर ने इस वक्त भावेश पवार को ऑल द बेस्ट कहा.
या वेळेस अजून एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, निर्धाव राहतो चेंडू, षटक क्रमांक समाप्त होत आहे दुसरा, धावसंख्या जर पाहिली तर 6, 64 धावांचं लक्ष आहे। देखिए एक ओवर में केवल 2 रन 3 रन दिए और 1 विकेट लिया, क्या बॉलिंग हो रही है और समझ में नहीं आ रहा है बल्लेबाजों के कि क्या किया जाए। यानंतर 3 षटकांचा खेल बाकी आहे, काय घडेल काय बिघडेल, कारण अजूनही विजयाचा जर लक्ष बघितलं तर 58 धावांचा आहे। आणि या भिवंडीतील एक महान कमेंटेटर आपण पाहतोय सर सिद्दीक भावे यांच्याकडे आपण जाऊया आणि धावता विवरण त्यांच्या मदतीने पाहूया। बहुत धन्यवाद मनोज ठाकरे जी जो आपको देखा सुना रहे थे। 2 ओवर की समाप्ति, दबाव में वीर बजरंग कारुली की टीम, केवल 6 रन है, 1 विकेट गिरा है, बचे हुए जो 3 ओवर है उसमें 58 रन चाहिए। अब यहां से सांस लेके बल्लेबाजी आप नहीं कर सकते, दम लेके बल्लेबाजी नहीं कर सकते, दम कम वाली बल्लेबाजी करना होगी या फिर गेंदबाजी का दम निकालना होगा। यही देखते हुए पपया खारिक को ऊपर बल्लेबाजी को भेजा है, आस्किंग रेट बहुत बढ़ चुका है और भावेश पवार ने अपने आप को कंटिन्यू रखा है, एक सोची समझी रणनीति लग रही। 19.33 आस्किंग रन रेट मानो किसी पहलवान की मानिंद। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, ओ बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर थी, पूरी तरह से खोल के रख दिया था, अधूरे मन से डिफेंड करना चाहते थे पपिया खारिक। कारुली के वो बल्लेबाज स्टंप के बाहर से करते हैं तो 10 में 1 मर्तबा आप सफल होते हैं, अगर स्टंप पे गेंद है या लेग स्टंप पे तो स्लॉग स्वीप खेलते हैं तो 10 में से 10 मर्तबा आप सफल होते हैं। भावेश पवार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए अक्षय के लिए, इस मर्तबा टॉप एज और ये भी आउट। बैट्समैन भावेश पवार यो लेफ्टी, लेकिन ऐसा डेंजर है बॉलर भावेश पवार यो लेफ्टी, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 पे 2 झटके दिए उन्होंने। अगदी बरोबर म्हटलं, भावेशचा विचार केला तर तलवारीला दोन्ही बाजूने दार दिसते, मग ती गोलंदाजी असेल किंवा फलंदाजी सुराइक। हालांकि बल्लेबाजी तो इतनी अच्छी नहीं कर पाए थे, कई मिस टाइम स्ट्रोक्स लगाए थे, 20 रन बनाए, लेकिन फिर भी अपने टीम के लिए उन्होंने 20 रन का योगदान दिया। इस मर्तबा ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में 1 रन, भावेश को पता है 1 से कुछ भी नहीं होगा, 7 रन, ऐसा लग रहा है कि डबल फिगर तक जाने के लिए कारुली की टीम को काफी पसीना बहाना पड़ रहा है। सब प्रयत्न करावे लागतील या ठिकाणावर ना, कारवली संघाला प्रयत्न करून चुकला तरी चालेल पण प्रयत्न। जयेश कारबारी ने पवन केने और भावेश पवार को ऑल द बेस्ट कहा है। आखिरी गेंद इस ओवर की, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, फिर से विकेटों में थी, फिर से फ्लिक शॉट है, काउ कॉर्नर में रन नहीं लिया। ओवर समाप्त होते हुए 3 और कुल स्कोर केवल 8 रन, अब ओवर बचे हैं 2 और कितने चाहिए, 56, अब तक 56 चाहिए, अब तक 56 का फिगर आया है, अब लगभग मिशन इम्पॉसिबल। 12 चेंडू 56 धावांची आवश्यकता आहे, मी तर एवढंच म्हणेन सिद्दीक बाबे सर आपल्या संघाला धोका मग बिंदास ठोका। क्या बात है कि संदेश वखारी भी आजकल स्लोगन में बहुत आगे बढ़ गए, मनोज ठाकरे का वो स्लोगन बहुत अच्छा मुझे लगा था जो मराठी में कहा उन्होंने कि चालन में आप पानी नहीं ठहरता लेकिन बर्फ ठहरता है। संघर्ष करावा लागेल, कारण संघर्ष करावा लागेल या ठिकाणी साम्राज्य
एका दिवसात निर्माण होत नाहीये। देखिए ढेर सारे मैसेजेस हैं, फिर आप फोन कर रहे हैं, नंबर आएगा तो जरूर पढ़े जाएंगे। वैसे भी सिटी के सेमीफाइनल से कोई भी मैसेजेस नहीं पढ़ा जाएगा। भविष्य पवार ने दो ओवर के कुल मिलाकर 4 रन देकर 2 विकेट लिए। पवन के ने एवन पवन बैकफुट पे गए, वहीं पे खेल दिया आउट बैट्समैन। जोड़ी थी जिससे विकेट गिरा गेंदबाज थे पवन और कैच को पकड़ा था भविष्य पवार ने। अब 11 गेंदे और अब तक 56 रन। एक तरफा मुकाबला हो रहा है, निराश किया है करीबली के बल्लेबाजों ने, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक तरफा प्यार और एक तरफा हार नहीं चाहता, लड़ना चाहिए आपको। षटकार हॅट्रिक साठी निखिल तारे यांच्या माध्यमातून रोख रक्कम 1000 रुपयाचा पारितोषिक आहे। लड़ना चाहिए आपको, लड़ायचा नहीं लड़ायचा। गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए पवन केने 5 कदमों का रन अप है। देखिए एक ऐसा टोटल था जहां पे कारेवली की इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप कर सकती थी, कुछ उछाल ज्यादा था, कट करने की कोशिश, घुमा भी ज्यादा था, बिट किया। एवन पवन लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर कर बैठे व्हाइट। इसके बाद सिटी क्रिकेट का क्वार्टर फाइनल, अल्ताफ बाली फेम टीम पाइनियर ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। इस मरतबा स्विंगिंग यॉर्कर था, छोटी बैकलिफ से टक करते हुए ऑन साइड में 1 रन 10 पे पहुंचा। आप जाकर डबल फिगर में स्कोर गया है जबकि चौथा ओवर चल रहा है। और मेरा अपना मानना है कारेवली के जितने मैचेस देखे ये बल्लेबाजी का सबसे फ्लॉप शो है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, स्विंग करने की कोशिश, आगे रखा था गेंद को, बिट किया। क्या बॉलिंग कर रहे हैं, अपनी गेंदों में बदलाव कर रहे हैं एवन पवन। यस वेरिएशन विविधता पाते अपन या गोलंदाजाच्या माध्यमातून। इस मरतबा बैकफुट पे चले गए थे, काउ कॉर्नर की तरफ पुल, फील्डर डीप में मौजूद, सिर्फ 1 रन। आज मात्र पहिला सामना विजयी झाले होते कारेवली संघ, मात्र या सामन्यामध्ये त्या लय मध्ये दिसून येत नाहीयेत। इस मरतबा अच्छा ड्राइव, ऑन ड्राइव करते हुए फिर से काउ कॉर्नर में 1 रन बनता हुआ। बहुत जल्दी अपना ओवर खत्म किया पवन केने ने। अब 1 ओवर में 52 रन, मिशन इम्पॉसिबल कारेवली के सामने। लेकिन कारेवली के बल्लेबाजों ने कोशिश ही नहीं की। 6 डॉट गेंदे सुजीत ने खेली, आउट हो गए 0 पे। अक्षय भी वो शॉट नहीं खेल पाए जो उन्होंने इससे पहले मैच में खेला था। पपिया खारिक भी 2 गेंदे खेलकर 0 पे आउट हुए। सचिन गरत भी 1 रन बनाया, 2 गेंदे खेली। प्रतीक ने 4 गेंदे खेली, 3 रन बनाए और खेल रहे हैं इस वक्त, और जयेश खेल रहे हैं 2 पर। आने वाले बल्लेबाजों में महेश भोला का आना बाकी। तर गोडसे 20 संघाला वसई वालीवर ना दीप गुंदलकर ऑल द बेस्ट करत आहेत, धन्यवाद दीप। इस मरतबा फिर से अच्छी गेंद, टॉप एज पुल करना चाहते थे, 1 और विकेट। लवेश कहे टीम के कप्तान, यहां से सिर्फ इतना हो सकता है कि हार और जीत का जो फासला है
वो कम हो सकता है। यस अगदी बरोबर म्हटला, पराभवाचं जे अंतर आहे ते कमी करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणावर केला जाईल, कारण औपचारिकता बाकी आहे या सामन्यामध्ये। विजयाच्या उंबरठ्यावर आपण पाहतोय डबल ए जय बजरंग गोरसे बी। विजयाच्या उंबरठ्यावर नाही बल्कि दरवाजा खोल चुकी है, जीत का अंदर जा चुकी है। इस मरतबा पैरों से टकराई, सवाल पूछा हाउ इज दैट, अंपायर सहमत नहीं, कहीं ना कहीं इंपैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर, लेग बाई का इशारा। 13 रन बहुत ही ह्यूज मार्जिन से डबल ए गोरसई भी इस मैच को जीतने जा रही है। अतिशय सुरेख परफॉर्मन्स अपन पाहिला, गोरसई ने देखील दाखवून दिलाय की गोरसई फक्त नाव नहीं है तर ब्रँड आहे। इस मरतबा खींच के मारा है, फील्डर को पाया है डीप में, एक और विकेट। और रोलेक्स मेडिकेयर के फहद दलवी और अशफाक पनवेलकर हमसे जुड़ते हुए आप दोनों का हार्दिक स्वागत। कप्पू केने जी आपको संजू मात्रे वीआईपी डाइस पे बुला रहे हैं। कप्पू केने राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉल स्विंगिंग यॉर्कर। सदानंद मात्रे ने इस वक्त भविष पवार को ऑल द बेस्ट कहा है। 13 पे कितने विकेट गिरे, 7 विकेट गिरे। शुभा धुमाल आप बता सकते हैं कि ग्रामीण क्रिकेट बीसीए का सबसे कम स्कोर कितना है? हालांकि सिटी क्रिकेट की मैं बात करूं तो 27 साल में सबसे कम स्कोर आरके ट्रॉफी में मीडिया 11 का रहा था 11, और उसके बाद लेट गोपीनाथ मुंडे में महबूब राजस्थानी की टीम का स्कोर रहा था 13 बी इंडियन के सामने। हिस्ट्री इन ग्रामीण क्रिकेट। गाउदीवी अंजूर कितने, 9 रन, ये न्यूनतम स्कोर है। राइट आर्म ओवर द विकेट, खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन, लेकिन बत्ती बूझने के बाद तेल डाल दिया। तर माझे कजरू केने साहेबांच्या माध्यमातून रोख रक्कम 1000 रुपयाचा बक्षीस या ठिकाणी जाहीर झालाय गोरसे संघाला। क्या शॉट केलाय, स्टैंड एंड डिलीवर, सीधा लॉन्ग ऑफ पे 6 रन। फिर से खेलना चाहते थे वाइड, कितनी गेंदें बची है, एक गेंद बची है। फाइनल में पहुंचने के लिए डबल ए गोरसई बी को, और उनका फाइनल सिटी पूल से जो टीम आएंगी उसके साथ रहेगा। लगता है भावेश पवार मैच के बाद अपने तालुकात को यूटिलाइज करेंगे दो आइकॉन प्लेयर के लिए। फिर से लेग स्टंप के बाहर, राहुल भी थोड़ा सा समय ले रहे हैं। पायनियर की टीम तैयार होती भी टॉस को जीतकर फील्डिंग करने का फैसला। आतिश भमरे की टीम ने कमाल का परफॉर्मेंस मौली के सामने दिखाया, पुल किया पावरफुल अंदाज में, 6 रन, और इस मैच को जीत लिया है डबल ए गोरसई बी ने। कॉन्ग्रेचुलेशन भावेश पवार एंड ऑल टीम एंड हार्ड लक कारेवली, हार्ड लक नीलम नाइक, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है हरफन मौला, खिलाड़ी द प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट भावेश पवार। जय बजरंग गोरसे बी संघाचे अभिनंदन, हार्ड लक टफ लक वीर बजरंग कारेवली। पायनियर टीम मैदान में जाती हुई ऑन फील्ड अंपायर गोरसे बी आपका अभिनंदन, आपको मैदान के बाहर आना है और मुकाबले की शुरुआत होंगी इनिशियल ओवर में आपके साथ।